कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करती, पहले ही बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस चाहे 10 बार हार जाए, चाहे हम पूरा देश हार जाए, लेकिन हम हिंदुत्व की राजनीति जो भाजपा करती है वो हम नहीं करते। राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से वो वोट मांगती है, पुलवामा के नाम पर जिस तरीके, शहीदों के नाम पर जिस तरीके से वोट मांगती है, आज आप ये कहेंगे कि तीन राज्यों के अंदर भाजपा आ रही है, उसी जनता ने वोट किया है। जाहिर है जनता ने वोट किया, जनता का फैसला था। पहले कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, खबर भी आ रही है कि धांधली हुई है, लेकिन उस धांधली का ठीकरा हम सारा का सारा हम बीजेपी पर नहीं फोड़ सकते। अगर ईवीएम में घोटाला और घपलेबाजी हुई है तो उसकी भी लड़ाई हमें ही लड़नी है। देखिए, हम हार किसी भी स्टेट को हम हारे या जीते, हम जनता की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे थे, हम अब भी लड़ते हैं और आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आप देखिएगा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इसी तरीके से जमीन पर मुखर होकर के लड़ता रहेगा, चाहे आज किसी भी राज्य के अंदर हमारी सरकार हो या ना हो। लेकिन आज हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का आप नेता, आप देखेंगे कि जमीन पर मुखर तौर पर जनता की लड़ाई को लड़ रहा है। को भी हम मानते हैं अपनी हार, जो हमारी हार हो रही है, तो इसकी हम समीक्षा करेंगे, जो जहाँ जो कमियां रही हैं उसका हम सुधार करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें तेलंगाना की हम सरकार बना रहे हैं और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर भी उम्मीद है कि हम बहुत सारी सीटों पर 200, 300, 400 के मार्जिन से हम पीछे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये रुझान और साफ हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है आपकी बात सही है कि कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे थे कि इन पाँचों राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा असर हमें देखने को मिला था राजस्थान के अंदर भी और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश हम जीते हुए थे, जीता हुआ राज्य था, लेकिन उसको किस तरीके से गिराने का काम भाजपा ने किया। उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार जो जनता ने जो फैसला लिया, ठीक है, जनता जनार्दन है, हार जीत देखिए राजनीति के अंदर लगी रहती है, और जनता का अगर ये फैसला है तो हम उसको सरमाथे लेते हैं। जनता जनार्दन है। देखिए, इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। उम्मीद कर रहे थे कि पांच राज्यों के अंदर से, क्योंकि मिजोरम की काउंटिंग कल है, चार राज्यों के अंदर, जो तेलंगाना के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, हम पांचों राज्यों के अंदर सरकार बनाते। लेकिन आप अगर राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान के अंदर चिरंजीवी जैसी योजना जिसके अंदर 50 लाख तक मुफ्त इलाज और केजी से लेकर के पीजी तक की जो मुफ्त शिक्षा थी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तेंदूपत्ता से लेकर के तमाम वो जो पेंशन योजनाएं, फ्री से बस सेवा महिलाओं के लिए पेंशन और जो बुजुर्गों के लिए जो पेंशन थी, ये तमाम योजनाएं तेलंगाना के अंदर देखिए जिस तरीके से केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त जिस तरीके से स्कीम्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर से लेकर के मेडिकल के क्षेत्र तक जिस तरीके की योजनाएं थी। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दिया कि जितनी भी स्कीम थी, जितनी भी योजनाएं थी, वो हिंदुत्व पर भारी पड़ी। क्योंकि जाहिर एक विचारधारा से लड़ना, ये जो इलेक्शन हो रहा है वो हिंदुत्व पर नहीं होकर बल्कि अहम मुद्दों पर हो रहा है, योजनाओं पर हो रहा है। देखिए, कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करती, पहले ही बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस चाहे 10 बार हार जाए, चाहे हम पूरा देश हार जाए, लेकिन हम हिंदुत्व की राजनीति जो भाजपा करती है वो हम नहीं करते। राम भगवान भी साथ हैं, अल्लाह भी साथ है, ईश्वर भी साथ है, ईसा मसीह भी साथ हैं, सब साथ हैं, बजरंग बली भी साथ हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में आपने देखा कि बजरंग बली का साथ रहा और किस तरीके से हम कर्नाटक जीते, तो देखिए जाहिर है कि साथ लेकर चलना, अगर आप भगवान को आप साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम नफरत की राजनीति नहीं करते। राम को साथ लेकर चलना नफरत की राजनीति नहीं है। हम राम को या बजरंग बली को साथ लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। जाहिर है हिंदू और हिंदुत्व में फ़र्क है, ये आपको मालूम होगा कि हिंदू और हिंदुत्व में कितना फ़र्क है, कि आप भाजपा किस तरीके की राजनीति करती है। सिर्फ राम मंदिर के नाम पर जिस तरीके से वो वोट मांगती है, पुलवामा के नाम पर जिस तरीके, शहीदों के नाम पर जिस तरीके से वोट मांगती है, आज आप ये कहेंगे कि तीन राज्यों के अंदर भाजपा आ रही है, उसी जनता ने वोट किया है। जाहिर है जनता ने वोट किया, जनता का फैसला था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ईवीएम हैक की गई है, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ईवीएम मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी और ना मैं इस पे बहुत ज्यादा जाना चाहूंगी, कि क्योंकि आप ही कहेंगे, आप जैसे पत्रकार ही कहेंगे कि देखिए आप तेलंगाना जीत रहे हैं तो आप ईवीएम में घोटाला नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अगर आप हार रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला। देखिए, हम पहले कहते रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, खबर भी आ रही है कि धांधली हुई है, लेकिन उस धांधली का ठीकरा हम
सारा का सारा हम बीजेपी पर नहीं फोड़ सकते। अगर ईवीएम में घोटाला और घपलेबाजी हुई है तो उसकी भी लड़ाई हमें ही लड़नी है। आपको याद होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क पे घसीटा गया, जनता के मुद्दों के लिए सड़क से लेकर संसद तक किस तरीके से कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, किस तरीके सांसदों का निलंबन किया गया, ये तो हम जानते हैं। लेकिन आज सवाल बड़ा ये है कि आज हम तीन राज्य हम हार रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जनता का फैसला था, हम हमेशा से ये मानते हैं। इससे बड़ी बड़ी हार हमने देखी है, तो आज अगर ये आज ये तीन राज्यों का फैसला है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जनता का फैसला है। आगे की रणनीति बता दीजिए, आगे क्या रणनीति होगी 2024 को लेके? देखिए, हम हार, किसी भी स्टेट को हम हारे या जीते, हम जनता की लड़ाई पहले भी लड़ते रहे थे, हम अब भी लड़ते हैं और आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आप देखिएगा कि कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इसी तरीके से ज़मीन पर मुखर होकर के लड़ता रहेगा, चाहे आज किसी भी राज्य के अंदर हमारी सरकार हो या ना हो, लेकिन आज आज हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का आप नेता, आप देखेंगे कि जमीन पर मुखर तौर पर जनता की लड़ाई को लड़ रहा है। आगामी चुनाव में हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी का बड़ा असर, भारत जोड़ो यात्रा का जो बड़ा असर था, लेकिन एक बात जो आप, मैं कहना चाहूंगी कि इसमें देखिए, आज हम तीन राज्यों को जो हमने लूज किया, देखिए मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज और कोई हिचक नहीं है कि अगर हम ये कहें कि आज मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम अपनी खामियों और हम अपनी समीक्षा करें तो हमें हमें ये भी देखने को मिलेगा, और इस हार को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि अगर हम हारे तो क्या क्या कमियां रहीं कांग्रेस की, जिसमें सबसे बड़ी जो कमी रही है वो ये रही है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनको टिकट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की वो नाराज़गी भी थी। और दूसरा, आप जो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्रियों को, मिनिस्टरों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को जिस तरीके से ज़मीन पर उतारा गया और उतार करके जिस तरीके से घर घर जा करके ये मैसेज दिया गया, हमारी तरफ से ये भी कमी रही कहीं ना कहीं कि वो हम कितना डिलीवर कर पाए, उसकी भी कमी रही। और तीसरी चीज़ ये रही कि कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक जो लीडरशिप को मौका देने वाली बात है कि हम नई लीडरशिप कहीं ना कहीं डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, नई लीडरशिप को मौका नहीं मिल पा रहा है, उसको भी हमें सोचने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता ओवर कॉन्फिडेंस हो गया राहुल गांधी का या कांग्रेस का जिस तरीके? नहीं नहीं, ओवर ओवर कोई ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं था। देखिए, जनता के सामने हमारी तमाम स्कीमें थी, लेकिन आज वो स्कीमें हार गई और यहाँ पर हिंदुत्व जीता, वो विचारधारा जो नफरत की विचारधारा थी वो जीती, जिससे हमें लड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई लंबी है, ये लकीर लंबी हो गई है और इसको हमें लंबे समय तक, क्योंकि देखिए एक विचारधारा, एक हिंदुत्व जो एक नफरती विचारधारा है, उसको 6 महीने में नहीं खत्म किया जा सकता, जाहिर है उसमें सालों साल लगते हैं और ये उसी का नतीजा है। वर्ल्ड कप में राहुल गांधी ने कहा था अच्छे खासे हमारे लड़के मैच जीत रहे थे, पनौती की वजह से मैच हार गए, आज ट्रेंड कर रहा है राहुल गांधी पनौती में। देखिए, आप कहने को आप बीजेपी किसी तरीके का भी ट्रेंड चला दे, लेकिन ये जो पनौती शब्द था वो राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं था, वो जाहिर है वो पनौती शब्द, वो पनौती शब्द जनता का था। और आप अगर पनौती की बात करेंगे तो फिर मैं इस बात को लंबा लेके जाऊंगी कि इस पनौती शब्द को, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी जिस जब शपथ लेते हैं, दो ट्रेन टकराती है, जाते हैं बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने नवाज शरीफ कहाँ पहुँच जाते हैं वो आप जानते हैं, जापान जाते हैं, जापान के प्रधानमंत्री वो तो सीधा ऊपर ही स्वर्ग से धार जाते हैं, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनाने गए थे, आपकी बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पहुँच गए वो आप जानते, इजराइल का समर्थन करने गए थे, इजराइल का समर्थन में नेतन्याहू किस तरीके से घुटनों के बल झुकते हुए नजर आए वो आपने देखा। तो देखिए ये लंबी है, चंद्रयान 2 आपको याद होगा, 3 में काफी लास्ट में पहुंचे, जब चंद्रयान पहुंच गया तब उनको दिखाया गया, तो हम वहां पे हमने कहीं ना कहीं लैंडिंग कर ली। तो देखिए, और वर्ल्ड कप तो आपके सामने ही है, तो ये जनता की आवाज थी, ये कोई राहुल गांधी या किसी कांग्रेस कार्यकर्ता की आवाज नहीं थी, ये पनौती शब्द जनता ने दिया था, पप्पू बनाने चले थे, पनौती बन गए, लेकिन ठीक है, ये हार जीत लगी रहती है। लेकिन देखिए, इसको भी हम मानते हैं अपनी हार, जो हमारी हार हो रही है, तो इसकी हम समीक्षा करेंगे, जो जहाँ जो कमियां रही हैं उसका हम सुधार करेंगे। बहुत शुक्रिया।